नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप किसी भी विश्वविद्यालय के हैं, इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय के हैं, हमारी भाषा आपको पसंद आती है, हमारी भाषा आप समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा एमकॉम का कोर्स, बीकॉम का कोर्स, बीबीए का कोर्स, टीजीटी पीजीटी का कोर्स नाम मात्र के शुल्क में पूरा प्रोवाइड कराता हूँ। एक दो चैप्टर फ्री में लीजिए, पहले पढ़िए, उसके बाद पसंद आता है तो पैसा दे करके आप न्यूनतम शुल्क में पढ़ सकते हैं। जो महीने में ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस देंगे वही हमारे यहाँ पूरे कोर्स की फ़ीस होगी। याद रखिएगा, बेहतरीन क्लास के लिए आप संपर्क जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूँ, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर अवध विश्वविद्यालय, यानी कि ये फैजाबाद में है, अयोध्या में है। याद रखिएगा, अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आप किसी भी विश्वविद्यालय के हैं तो आप हमसे संपर्क स्थापित करेंगे, अपना सब्जेक्ट बताएंगे तो आपको क्लास हमारे यहाँ मिलेगी, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट संपर्क स्थापित करते हैं, सोचते हैं कि गुरुजी की गर्ज है, इनकी गर्ज है। गर्ज हमारी नहीं होती, गर्ज स्टूडेंट की हमेशा रहती है। छोटे बन के पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे। तो मैं आपको बता दूँ, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल का मतलब जिसमें सवाल भी होती है और थ्योरी भी होता है। दूसरा सब्जेक्ट है फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन। ए भी अकाउंटिंग शब्द लगा है, तो अकाउंटिंग शब्द अगर लगा है तो ए भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। तीसरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। जो आप बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड ए भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद है चौथा सब्जेक्ट, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन और मार्केटिंग मैनेजमेंट, तीनों अनिवार्य हैं। चौथे पेपर में दिया है एडवांस कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, एक आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल होता ही है, आप जानते ही हैं, प्रैक्टिकल होता ही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से संबंधित दिया गया है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया केवल बोल करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप संपर्क जरूर स्थापित